लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई एयरपोर्ट नामांतरण आंदोलन के जरिए राज्य सरकार की टेंशन बढ़ा चुकी बीजेपी अब ओबीसी आरक्षण पर 26 जून को चक्का जाम करने की तैयारी में है। आज नवी मुंबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेताओं ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि उद्धव सरकार ओबीसी और मराठा समाज को आरक्षण और न्याय दिलाने में फेल हो चुकी है। ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को जगाने बीजेपी 26 जून को नवी मुंबई में चक्का जाम करेगी। इस अवसर पर बीजेपी के सीनियर लीडर चित्राबाग, पूर्व सांसद संजीव नाइक, जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत और बीजेपी विधायक रमेश दादा पाटिल खास तौर पर मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट। ओबीसी आरक्षण रद्द करने के खिलाफ बीजेपी ने 26 जून को चक्का जाम आंदोलन की तैयारी की है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी की महिला प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि आंदोलन 1000 ठिकानों पर होगा, जिसमें उद्धव सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण रद्द करने के खिलाफ आवाज़ बुलंद होगी। चित्रा वाघ ने कहा कि उद्धव सरकार जनता को न्याय और सुविधा दिलाने में हर मोर्चे पर फेल रही है। कोविड मैनेजमेंट हो, मराठा या ओबीसी आरक्षण कायम रखने की बात, महाविकास आघाड़ी सरकार और उसके मंत्री पूर्णतः नाकाम रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। चित्रावाग ने कहा कि सरकार की इन्हीं नाकामियों को लेकर बीजेपी जनता के बीच जाएगी। इस अवसर पर पूर्व सांसद संजीव नाइक, जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत, MLC रमेश दादा पाटिल, सतीश निकम विजय घाटे समेत तमाम नेता मौजूद थे। चित्रावाग ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। ओबीसी के सम्मान में भाजपा मैदान में आपने देखा कि किस प्रकार से ओबीसी का राजकीय आरक्षण इस सरकार ने रद्द हुआ है, उसकी पूरी जिम्मेदारी इस सरकार की बनती है। पहले मराठा आरक्षण और अभी राजकीय आरक्षण ओबीसी का रद्द करने का जो काम है इस सरकार की वजह से हुआ है, इनकी बेपरवाही की वजह से हुआ है। 15 महीने इनके हाथ में थे, इन्होंने कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में गए थे, उन्होंने भी वही कहा कि जो आपको हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं, जिससे ओबीसी मागास वर्ग आयोग गठित करना, इम्पेरिकल डाटा बनाना और उस डाटा के तहत ये जो आरक्षण है ये अबाधित रह सकता था, पर इस सरकार ने कुछ किया नहीं। मुझे तो ये मालूमात मिली है कि 14 महीने तक मागास वर्ग आयोग गठित करने की फाइल CM ऑफिस में पड़ी रही। 22 दिन पहले ओबीसी मंत्री जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट की कि अभी हम मागास वर्ग आयोग गठित कर रहे हैं और उसके बाद इम्पेरिकल डाटा बनाएंगे। आज तक वो कुछ हुआ नहीं। उसके बाद 5 दिन पहले की उनकी स्टेटमेंट है कि जब तक ओबीसी का आरक्षण जो है वो पुनर्गठित नहीं होता तब तक हम इलेक्शन होने नहीं देंगे। और 5 दिन पहले जो है 2 दिन पहले जो है वो इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र के 5 जिलों में 85 जिला परिषद की और 144 नगर पालिका की जो नगर पंचायत समिति के जो इलेक्शन है वो वहाँ पर डिक्लेयर किए हैं। ये अगर अभी सरकार ने जो है रास्ते पे आके मोर्चे धरने आंदोलन करने का जो नाटक शुरू किया है वो तुरंत वो बंद करें, क्योंकि ये आरक्षण वापस लाना सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार के हाथ में है। सारे कैबिनेट के जितने ओबीसी नेता है, ओबीसी मंत्री है, उन्होंने एक साथ बैठ के मागास वर्ग आयोग गठित करके इम्पेरिकल डाटा बना के 3 महीने के अंदर ये जो ओबीसी का गया हुआ आरक्षण है उसे पुनर्गठित करना चाहिए, ये हमारी मांग है। और बस इसी के लिए ओबीसी समाज के साथ हम आज रास्ते पे उतरे हैं, उनका आरक्षण उन्हें मिलना चाहिए। कल के दिन में 1000 जगहों पे यह चक्का जाम आंदोलन होने वाला है। कल छत्रपति शाहू महाराज की जयंती है और बस उसी दिन से हम हमारी लड़ाई की शुरुआत कर रहे हैं। जब तक ओबीसी को न्याय नहीं मिलता तब तक भारतीय जनता पार्टी की ये जंग चालू रहेगी। जिस प्रकार से मराठा और ओबीसी के आरक्षण के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, इन्हें उस पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।